दमन में छात्रों के कमाल से घन युग साकार होता नजर आया। एजुकेशन हॉल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आलम ही ऐसा था। गांधी जी से लेकर उनके समकालीन व्यक्तित्वों को छात्रों ने बखूबी जीवंत किया। न सिर्फ व्यक्तित्वों का बल्कि उस वक्त के देश काल व हालातों का भी आभास इस स्पर्धा ने कराया। वस्त्रों से लेकर वेशभूषा तक सब कुछ गांधी युग का एहसास कराने वाला रहा। अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के बूते मोटी दमन सरकारी हाई स्कूल सभी 15 प्रतिभागी स्कूलों के 30 प्रतिभागियों को पछाड़कर टॉप पर आया। इसी से उसे इस स्पर्धा में पहला स्थान मिला। कचिगम सरकारी हाई स्कूल दूसरे और भीमपुर हाई स्कूल तीसरे पदान पर रहा। गांधी जयंती के 150वें वर्ष के मौके पर दमन में अब तक 2 स्पर्धाएं हो चुकी है। आज तीसरी स्पर्धा फैंसी ड्रेस की थी। नोडल ऑफिसर मनीष स्मार्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की स्पर्धा के सफल विजेताओं को इस साल गांधी जयंती के होने वाले राजकीय समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। गांधी जी की 150वीं जयंती पर देश भर में इस तरह की स्पर्धाएं हो रही है। आज के कार्यक्रम में निर्णायक के तौर पर बाल भवन की पूर्व निदेशिका हेमाक्षी जोशी, श्री माछी महाजन बीएड कॉलेज के लेक्चरर अरुण टेंडेल सहित मानवों की मौजूदगी रही। नोडल ऑफिसर एजुकेशन स्कीम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दमन मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली दिशा निर्देश प्रमाण 2 ऑक्टोबर 2019 दरमियान अपने गांधी जयंती 150वीं गांधी जयंती उजावा जा रहा है तरह अपना संघ प्रशासन दमण दीव शिक्षण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों आयोजन थी रूप है और आना दिवसों में थना है तना भागरूपे आज फैंसी ड्रेस गांधीजी ने विषय ने लई फेन्सी ड्रेस आयोजन करेलू। आ फेन्सी ड्रेस करवा पाछळ मुख्य हेतु यह कि गांधीजी जन्म पछी लगभग आ चौथी पेढ़ी है ये अपने त्या अभ्यास कर रही है अने अभ्यास दरमियान तो गांधीजी विषयना घणा बधा पाठनी अंदर उल्लेख थाय छे एना प्रसंगोनी वात थाय छे एनुं जीवन एमनुं कवन एमने जे कंई पण साहित्यनी रचनाओ करी एना जे कंई पण सत्याग्रह अने देशने आज़ाद करवा माटेना आंदोलनोनी तो वात છોકરાઓ અભ્યાસમાં ભણે જ છે પરંતુ સાથે સાથે ગાંધીજી જે દુબળા પતલા હતા અને એમનું જે બાહ્ય દેખાવ કેવો હતો એ સમજે અને એને અનુરૂપ એ પોતાનો વેશ પરિધાન કરીને આવે એ હેતુથી અહીંયા આગળ આ વેશભૂષાનું આયોજન કરેલું। આવનારા દિવસોમાં 2 ઓક્ટોબરે આપણે ત્યાં ગાંધી જયંતી પણ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે બાળકોની અંદર ગાંધીજી પ્રત્યેનો જે ભાવ એ એનો જે આદર એમનો જે સત્કાર એ હંમેશા બની રહે અને દેશ માટે એમણે જે કંઈ પણ કર્યું છે એ માટેનું એમને જ્ઞાન હંમેશા એમના અંદર રહે તેવા ઉદ્દેશથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આજના આ સ્પર્ધાની અંદર મોટી દમણ સ્કૂલ છે પ્રથમ રહી છે, કચ્છી ગામ છે એમનું બીજું સ્થાન આવ્યું છે અને ત્રીજા સ્થાન ઉપર ભીમપુરની સ્કૂલ છે એ રહી છે। આમાં કુલ કેટલા ટીમ હતી? આપણે ત્યાં સરકારી અને અર્ધસરકારી શાળાના ટોટલ 15 સ્કૂલના 30 બાળકોએ આની અંદર ભાગ લીધેલો હતો અને આ જે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ આવેલા છે એમને ગાંધી જયંતિના દિવસે આપણે એમને ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવશે અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન શિક્ષણ વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રદેશ દમણ એવં દીવ પ્રશાસન સ્વાસ્થ્ય વિભાગ દમણ દ્વારા લોકો સે અનુરોધ હૈ કે મલેરિયા રોધી કાર્યક્રમ કે દૌરાન मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करें, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, छोटे छोटे गड्ढे बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम डिब्बे नारियल टायर गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दें, मच्छरदानी में ही सोए, घर में दवा का छिड़काव करवाएं, बुखार आने पर खून की जांच कराएं और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी।
होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। oh. और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो। अच्छा लगता।